नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्बल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये मेरा चांदनी का ट्री है जो मैं नर्सरी से लेके आया था, लेकिन मैंने अभी तक इसको पोट नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ आज इसको पोट कर दूँ। आपको इसकी जो शेप है वो देखिए कैस्केड टाइप में लग रही है। ये जब मैं स्टार्टिंग लेके आया था तब ऐसे नहीं थी। इसकी इस शेप का एक कारण है कि मैंने इसको गार्डन में रखा था, और गार्डन में रखने से ये क्या है, ऐसे रखा हुआ था और ये किसी वजह से नीचे गिर गया। तो नीचे गिरने से क्या हुआ, यहाँ तक मिट्टी थी तो ये ऐसे तिरछा रहा और फिर ये ऊपर की तरफ उठ गया, जिससे कि इसका जो शेप है ऐसा बन गया। बिकॉज कोई भी ट्री अगर हम उसको वो सीधी जा रही है, अगर हम उसको तिरछा ऐसे रखेंगे तो भी वो ऊपर की तरफ जाएगी, मीन्स जिधर इसको धूप लगेगी, ट्री को जिधर धूप मिलेगी ये उधर ही जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ अब इस पर थोड़ी वायरिंग कर दूँ। मैं इसको कैस्केड नहीं बनाऊंगा। जब यंग ट्री हो हम नर्सरी से लेके आते हैं तो उसको पहले अगर हम वायरिंग कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि वो जब ग्रो करेगा तो उसकी शेप वही रहेगी। इसको वायरिंग करने के लिए इसकी जो ट्रंक है उसके साथ में पहले वायर को डालें और फिर वायर को धीरे धीरे ट्विस्ट करें। ये ध्यान दें कि वायर ज्यादा टाइट ना हो। और कोई लीव्स इसके बीच में ना आए वायरिंग के। एक्स्ट्रा वायर को काट देंगे। अब मैं इसको इस तरह से ग्रो करूँगा और मैंने इसको शेप अभी दे दी है। देखिए दोस्तों, इस ट्री पे फ्लावर्स आने वाले हैं। देखिए फ्लावर्स आने वाले हैं। अब अगर मैं इसको पॉट में लगाऊंगा तो ये काफी टाइम बाद ग्रो करेगा, तो हम इसको अभी ग्राउंड में ग्रो करेंगे। ग्राउंड में ये फास्ट ग्रो करेगा। तो हम इसको अब ग्राउंड में ग्रो करते हैं। दोस्तों, इसको हम ग्राउंड में पोट करने से पहले इसकी जो पॉलीथीन बैग है इसको हटा देंगे, और इसके रूट वाल को हम बिल्कुल नहीं हटाएंगे, मीन्स इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी है सिर्फ उसको हटाएंगे, पूरी रूट बॉल को डैमेज नहीं करेंगे। इसका जो रूट सिस्टम है काफ़ी अच्छा होता है। इसमें आप जो लेमन ट्री में जो जाल सा बना होता है रूट्स का, वैसे ही इसके अंदर होता है, तो इसकी रूट्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है। इसके हम नीचे की जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको हटाएंगे। चांदनी का जो ये ट्री है क्रैप जैस्मिन, इसकी अगर आप इस मौसम में एयर लेयरिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप इसको एयर लेयरिंग से अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, मीन्स अगर आपके पास कोई बड़ा ट्री है तो उस पर आप अच्छी सी ब्रांच देखें जो थिक हो और उसका ट्रंक अच्छा हो, तो उसको आप एयर लेयरिंग कर दीजिए तो उसको आप एयर लेयरिंग कर दीजिए, जिससे कि आपको एक जल्दी अच्छा बॉन्साई मिलेगा।
ओके दोस्तों, अब हम इसकी रूट बॉल को ज़्यादा नहीं रिमूव नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे, बाकी इसकी नेक्स्ट रिपोर्टिंग पे हम इसको देखेंगे। तो अब हम इसको यहाँ ग्राउंड में पोर्ट करेंगे। दोस्तों मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, तो मैं उसके लिए ये क्ले का टुकड़ा है जो टूटी हुई पॉट का, वो यूज़ करूँगा। और उससे पहले हमें यहाँ पे गड्ढा खोदना होगा। हम इतना गहरा गड्ढा खोदेंगे कि जो ये टुकड़ा है क्ले का, ये उसके अंदर चला जाए, ताकि इसकी जो रूट्स है वो नीचे की तरफ ना फैले, साइडों में फैले, जिससे कि एक अच्छी नेबरी इसकी तैयार हो जाएगी। ओके दोस्तों, हमने गड्ढा खोद दिया है, अब इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो साइडों में फैलें, और जो साइडों की जो दीवार है, साइडों की जो मिट्टी है उसको थोड़ा हम लूज कर देते हैं, ताकि रूट्स इजीली ग्रो करें। अब हम ट्री को यहाँ पोर्ट कर देते हैं। मिट्टी को अच्छे से चारों तरफ से फिल कर दें, इसके चारों तरफ स्पेस ना रहे, बिकॉज इसके अंदर अगर एयर बबल्स मीन थोड़ी जगह रह गई तो उसमें क्या है, जो चींटियां होती है वो लग जाती है। तो इसको अच्छे से फिल कर दें चारों तरफ से। ओके दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे पोर्ट कर दिया यार, मैं इसको यहीं पे ग्रो होने दूंगा। लेकिन ना एक चीज़ का ध्यान रहे कि अगर हम इस तरह से ग्राउंड में वायरिंग करके किसी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि जो वायर है उस जब वो ट्री ग्रो करेगा तो वायर उसकी जो ट्रंक है उसके अंदर धंसेगा, यानी कि उसके अंदर जाएगा, जिससे कि ट्रंक ख़राब हो सकती है। तो ये चेक करते रहें कि अगर वो ट्रंक को खा रहा है तो वायर को चेंज कर दें, यानी कि उसको निकाल दें और दोबारा से रीवायर करें। और जब रीवायर करें तो ये ध्यान रखें कि उसी पोजीशन में ना करें, उसके अपोजिट करें, मींस जैसे ये इस तरह से ट्विस्ट हो रही है तो नेक्स्ट टाइम इसके उल्टा इस तरह से ट्विस्ट करनी है, बिकॉज उसी जगह हम ट्विस्ट करेंगे तो वही दोबारा वो उसको ट्रंक को काट देगा वायर। तो नेक्स्ट टाइम उसके अपोजिट करेंगे। और ग्राउंड में अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो इसमें वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, कुछ टाइम इसको आपको अच्छे से देखना होगा। बाद में जब इसकी रूट्स अच्छे से ग्रो हो जाएगी तो ये जो ग्राउंड के अंदर जो नमी होती है वहीं से सब नमी ले लेगी। लेकिन गर्मियों में ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मियों में तेज़ धूप होती है, तो इसमें दिन में एक बार वाटरिंग ज़रूर करें। चांदनी का ट्री बहुत ही अच्छा और गहरा होता है, हरा भरा। मेरे घर पे भी एक ट्री खड़ा है बड़ा, उस पर काफ़ी फ्लावर्स है, मैं अभी आपको दिखाऊँगा उस ट्री पे कितने फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इसको अब हम यहीं पे ग्रो होने देंगे। मैं इसमें फीडिंग के लिए कुछ नहीं डालता, बिकॉज ग्राउंड में काफ़ी अच्छा सॉइल है। अगर हम इसको पॉट में करते हैं तो पॉट में इसके लिए इसका अपोजिट जो सॉइल है वो हमको जो ड्रेनिंग सॉइल है वो यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने मेरी एक पॉट में, पहले मेरे पास ही एक ट्री है उसमें यूज़ कर रखा है मैंने, उसके अंदर जो बजरी होती है वो और बजरी के कुछ कंकर प्लस में कुछ कंपोस्ट मिला के वो यूज़ किया हुआ है, तो वो ट्री अच्छे से ग्रो कर रही है। ओके दोस्तों, इसमें अभी हम थोड़ी सी, वैसे तो मिट्टी ये गिल्ली है लेकिन फिर भी थोड़ा सा वाटरिंग हमें करना ज़रूरी है, तो मैं इसमें थोड़ी सी वाटरिंग कर देता हूँ। मैं आपको मेरा जो दूसरा क्रेप जैस्मिन है वो दिखाता हूँ, जो मैंने पॉट में ग्रो कर रखा है थ्रू एयर लेयरिंग के थ्रू किया था, और उसमें क्या सॉइल यूज़ कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें बजरी और बजरी के जो कंकर हैं वो यूज़ किए हुए हैं, और ये मैंने एयर लेयरिंग से ग्रो किया था। इस पर देखिए फ्लावर्स आ रहे हैं, और इसको ऐसे ही अच्छे से ग्रो करने देंगे तो इसका जो स्टाइल है वो मोस्टली ब्रूम स्टाइल बन जाता है, बिकॉज इसकी ब्रांचें काफ़ी होती है
और अगर आप इसको वायरिंग या कुछ भी नहीं करोगे तो भी इसका ब्रूम स्टाइल बन जाएगा दोस्तों। एक ये मेरा जो मैं इस सीजन ही एक रोज़ प्लांट लेके आया था और मैंने यहाँ इसको ग्राउंड में लगाया था, मैं इसको एज ए बोनसाई ग्रो कर रहा हूँ। अभी मैं इसको ग्रो होने दूंगा, बाद में इसकी कटिंग करके और इसकी शेप देंगे। इस पर देखिए फ्लावर्स, एक फ्लावर्स पहले आ चुका, ये देखिए इसका पहला फ्लावर्स ये आया था और उसके बाद ये सेकंड है और ये देखिए थर्ड। ये देखिए मैं इसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं की, मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे पॉट किया था और इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी नई स्टार्ट हो रही है। तो मैं इसका स्टाइल सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ से इसके ऊपर का हिस्सा कट ऑफ कर दूँगा, बिकॉज मेरे को ये बोनसाई बनाना है। तो अभी इसको मैं ग्रो होने दूँगा, बाद में इसको देखेंगे कि इसको कौन सा स्टाइल देना है। ओके दोस्तों, मैं एक ट्री और आपको दिखाता हूँ। मेरे एक व्यूअर्स ने जो मेरा पीपल का ट्री था उसके बारे में पूछा था कि उसकी पोजीशन कैसी है अब। तो ये वो पीपल का ट्री है, शायद ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बिकॉज यहाँ पे धूप है और ये ऐसी लोकेशन पे रखा है। तो ये मैं आपको फिर कभी दिखा दूँगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।